क्या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं? क्या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जानेंगे इस वीडियो में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनने का सपना होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होगा कि मैं कभी ना कभी यूपीएससी का एक बार अटेम्प्ट जरूर दूंगा। और अगर आपने 11th 12th में साइंस स्ट्रीम का चुनाव कर लिया है भूल कर या गलती से, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आज की ये वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है कि अगर आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, अर्थात यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठना है, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, अर्थात आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी अगर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आपके पास दो सिचुएशन हो सकता है, या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे या फिर आप बीएससी करेंगे। तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं अगर आप, तो एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है जिसका नाम है बीटेक कोर्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाते हैं साइंस स्ट्रीम को लेके, और अगर आपने बीटेक कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अर्थात आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में न जाके आगे चल के बीएससी कर लेते हैं, अर्थात बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर लेते हैं, तो भी आप ग्रेजुएट कहे जाएंगे और तो भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, अर्थात आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। तो मैंने आपको बेसिकली दो ही बात बताई है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, अब चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएट हों या फिर आप जो है वो किसी बैचलर फील्ड में अर्थात बीएससी कोर्स करके ग्रेजुएट हों, आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप आसानी से यूपीएससी एग्जाम में बैठ सकते हैं, अर्थात आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रॉब्लम का सलूशन हो पाया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कॉमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियोस आपके टॉपिक पे ही बनने वाला है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमें बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।